उट प्लीज ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैम आपने आज ये अवसर दिया मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने के लिए इसलिए मैं आपका आभारी हूं मैम सोचा तो ये था कि कुछ और बोलूं बट कल मेरे बड़े भाई माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे एक सुझाव दिया इसी सदन में और कहा कि सस्मित जब तुम बात करना अपने एड्रेस में तो क्यों बीजू जनता दल ये कहता है कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को आप लागू कराइए इसके बारे में रखना क्योंकि बड़े भाई हैं मेरे अति आदरणीय है जिसलिए मैंने सोचा धर्मेंद्र जी की बात रखी जाए और इसी बारे में मैं तीन चार मिनट में अपना वक्तव्य रखूंगा पहली बात यह है बीजू जनता दल क्यों मानता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डेढ़ गुना वृद्धि करी गई है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से वो उचित तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है मैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले स्वामीनाथन जी क्या कहते हैं अक्टूबर पिछले साल यह भी जानना जरूरी है वो कहते हैं वेन वी रिकमेंडेड फिफ्टी परसेंट ओवर कॉस्ट वी मेंट कंप्लीट कॉस्ट कॉल सी टू वो कहते हैं जब डेढ़ गुना वृद्धि की मैंने बात करी थी वो डेढ़ गुना वृद्धि A2 A2 FL पे नहीं था C2 पे था ये A2 A2 FL और C2 है क्या A2 वो है जो किसान जो है बीज खरीदता है वो फर्टिलाइजर खरीदता है वो आपके पेस्टिसाइड खरीदता है वो A2 का कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन FL जो होता है वो होता है फैमिली लेबर उसका परिवार जो काम करता है उसका एक वैल्यू एक कॉस्ट एक कैपिटल होता है होता है एफ सी क्या होता है ये सारी चीजों को मिला दीजिए साथ में रेंटल्स जोड़ दीजिए लैंड का इंटरेस्ट अगर कुछ वो ले रहा है उसको जोड़ दीजिए टोटल बनता है सी टू तो स्वामीनाथन जी और कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है भैया सी टू को आप अडोप्ट करिए क्या सरकार ने किया नहीं किया क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूं मैम ये जो रिपोर्ट है ये है सीएसीपी का तथ्य सीए सी पी क्या होता है मैम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस हर साल सी एसीपी अपना एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाता है हर फसल का यह मैं 18-19 का आपको दिखा रहा हूं जो कि 98 पेज में लिखा गया है जब 18-19 डेढ़ गुना वृद्धि करी गई थी एमएसपी को जो केंद्र सरकार कहती है तो उन्होंने क्या सीटू के ऊपर चढ़ाया मैं एक ही फसल का नाम लेना चाहता हूं धान का धान में सीएसईपी कहता है सी टू कॉस्ट अठारह उन्नीस के लिए था पंद्रह सौ साठ रुपए मान लीजिए केंद्र सरकार ने कमीशन की बात रखते हुए डेढ़ गुना वृद्धि करी होती तो C2 1560 के ऊपर डेढ़ गुना वृद्धि होती तो कितना होता दो रुपए कितनी वृद्धि हुई सत्रह रुपए तो ये सत्रह रुपए कहाँ आया तो पहली बात स्पष्ट है स्वामीनाथन जी और उनकी कमेटी जो कहती थी कि C2 के ऊपर डेढ़ गुना बढ़ाइए अपने बढ़ाया नहीं तो यह सत्रह कहां से आता है थोड़ा पीछे चलते उसी में लिखा है ए 2 एफएल का टोटल कॉस्ट धान का कितना आता 1166 रुपए 1166 का डेड गुना कर दीजिए कितना आता है 1750 रुपए 1749 रुपीस टोटलिंग 1750 जो कि सरकार ने किया इसका मतलब है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बोला कि आप उसको डेड गुना करिए सी 2 पे आप पहुंचना चाहिए था 2340 पे प्रति क्विंटल धान पे आप पहुंचे नहीं पहुंचे एक पे इससे कृषि के लिए नुकसान हुआ एक छोटी सी बात कहकर ज्यादा समय नहीं लूंगा तो एक चीज स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स होना चाहिए था वो हुआ नहीं है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जिस तरह से लागू करी जानी चाहिए थी वो करी नहीं गई है मगर मैं भाजपा के बंधुओं को जो उड़ीसा में है मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन लाया था बीजू जनता दल के विधायक लाए थे और कांग्रेस के विधायक लाए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लाए थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया मैम अठारह में और उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्तीस सौ तीस रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए आप बताइए हम अठारह सो सत्रह सौ पे लड़ रहे हैं उन्नीस सौ पे लड़ रहे हैं बट भारतीय जनता पार्टी के बंधु उड़ीसा में हैं जो कह रहे हैं उन्तीस सौ तीस होना चाहिए ये क्यों कह रहे थे ये जो 2340 रुपए मैम होना चाहिए था ना C2 टू इंटू ये होना चाहिए था उसके ऊपर 25 प्रतिशत लैंड कॉस्ट जुड़ता है और तब बनता है उन्तीस रुपए सर्वसम्मति से उड़ीसा के विधानसभा में सारे विधायक मिलके एक स्वर में बोले हमारे किसानों के लिए उन्तीस रुपए होना चाहिए मेरा यह सवाल है धर्मेंद्र भाई आज नहीं है मगर वो भी जानते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे मैं तो बीजू जनता दल के विधायकों की बात नहीं कर रहा कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं कर रहा मैं उन्हीं के पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूं जब वो उड़ीसा में एक स्वर में कहते हैं कि उन्तीस रुपए होना चाहिए C2 टू इंटू वन पॉइंट उसके ऊपर 25 प्रतिशत आपका लैंड कॉस्ट टोटल मिलके होता है 2930 आप किसानों को दीजिए बट सदन में हम कहते हैं कि हमने पारित कर ले तो फिर क्या वो गलत है या ये गलत है तो इसलिए एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी से और जिस तरह से बोला गया कल मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र जी ने बोला कि मेरे वरिष्ठ नेता श्री प्रसन्न आचार्य जी जो इस बारे में जो है गुमराह कर रहे हैं मैं आशा करता हूं हाउस गुमराह नहीं है हाउस को गुमराह नहीं किया जा सकता और उड़ीसा और भारतवर्ष के जितने सारे लोग देख रहे हैं सबको एक स्पेश मैसेज जाएगा ये तथ्यों के साथ कि किस तरह से अगर आप स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करते हैं तो सी टू के हिसाब से करेंगे तो किसानों को फायदा होगा इसी के साथ में अपना वक्तव्य रखता हूं धन्यवाद थैंक यू थैंक यू जी